अब आरसीबी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन कैसे? आरसीबी का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स से 18 मई को होने वाला है, तो जानते हैं कि उन्हें अब अगले मैच में कितने रनों से या कितने ओवर्स में मैच जीतना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आरसीबी की टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर तहलका मचा दिया है और वो पहली टीम बन गई है जो आईपीएल 2024 में 5 मैच लगातार जीती है। आरसीबी को स्टार्ट के 8 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 7 हार का सामना करना पड़ा था, वहीं लास्ट के 5 मैचों में से 5 ही उन्होंने जीते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जो टीम 10 नंबर पर थी 8 मैचों के बाद और उनके सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, वो टीम अब 13 मैचों के बाद 5वें पोजीशन पे आ गई है और उनके 12 पॉइंट्स हैं। अब उनको क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई को सिर्फ हराना ही नहीं होगा बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि चेन्नई का है 14 पॉइंट्स और उनका रन रेट आरसीबी से बढ़िया है, तो आरसीबी को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 18 रन से चेन्नई को हराना होगा या चेज करने में 18.1 ओवर्स तक टारगेट को चेज करना होगा। अगर आरसीबी ने ये कर दिया तो उनका रन रेट चेन्नई से बेटर हो जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी अपनी छठी जीत हासिल कर क्वालिफाई करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।